हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजुम मलिक। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता, बहुत ही टिकाऊ फेशियल लेकर आई हूं। जिनका बजट नहीं होता फेशियल किट लेने का या सैलून में करवाने का, वो घर पर भी अपना फेशियल कर सकते हैं, बहुत अच्छा ग्लो भी ला सकते हैं। जो महंगी महंगी जो फेशियल किट से जो रिजल्ट आता है ना, वो अपन इन सस्ते प्रोडक्ट से भी अपना फेस क्लीन करके अपने फेस पे भी ग्लो ला सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताऊंगी आज हम कितना सस्ता फेशियल करेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करेंगे। में क्या होता है, फेस को क्लीन करना होता है। तो देखो, फेस को क्लीन करने के लिए ये मैं 10 रुपए का लाई थी, जो गुलाब जल है ना, इसको इससे क्या करेंगे, हम फेस को क्लीन करेंगे, है ना। क्रीम की यूज, जो क्रीम की मसाज करेंगे वो ये स्किन फ्रूट क्रीम है। ये सब जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज किया है ना, ये 10 या 15 रुपए का है बस, इससे ज्यादा कोई प्रोडक्ट नहीं है मेरा। तो इसमें हम क्रीम यूज करेंगे, ये स्किन फ्रूट की क्रीम करेंगे। ये सब जगह मिल जाती है, सबके पास भी होगी, और ये ज़्यादातर 90% लड़कियों ने इसको यूज़ ज़रूर किया होगा। तो इसको ना, इससे हम क्या करेंगे, मसाज करेंगे क्रीम की। अब स्क्रब के लिए क्या करना है अपन को, इससे ज़्यादा अच्छा स्क्रब तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। कितना भी महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कितने भी सस्ते ले लो, लेकिन जो ये काम करता है ना, वो कोई भी स्क्रब नहीं कर सकता। मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, हफ्ते में एक बार मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे क्या, हमारे ब्लैकेट्स वाइटेट्स सारे रिमूव हो जाते हैं। बोरो प्लस का जेल है ये, मेरा 10 रुपए का आया है, ये मुझे 10 रुपए में मिला ये वाला जेल। जो नहीं खरीद सकते हम बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े प्रोडक्ट तो नहीं खरीद सकते, देखिए हम छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में से भी हम क्या अपना अच्छा फेशियल कर सकते हैं। तो देखो ये है ना, ये बोरो प्लस का एलोवेरा जेल है ना। अब इसको एलोवेरा जेल के बाद अपन को क्या करना है, मास्क चाहिए। एवरीयूथ का पिलो मास्क है। अब चलो मैं आप इसको यूज़ करके बताऊंगी। और देखो हमारा मतलब इसमें जो अपन यूज़ करेंगे ना, तो हमें दो फेशियल आराम से हो जाएंगे, दो मास्क हम आराम से लगा लेंगे। जो मैंने प्रोडक्ट लिए ना, इसमें से दो फेशियल हमारे आराम से हो जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना फेशियल। तो देखो फेशियल करने से पहले अपन को क्या करना होता है, अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है। मैं कॉटन में क्या करूँगी, गुलाब जल ले लूँगी, और इसको अपने पूरे फेस को क्या करना है, अपन को क्लीन करना है ना। एक बार जरूर इस जो मैंने ये फेशियल किया ना, आप भी जरूर ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। पूरे फेस को मैं इस तरीके से क्लीन कर लूंगी। अब मेरा फेस क्लीन हो गया, अब क्या करूंगी मैं, क्रीम की मसाज लेंगी। ये स्किन फूड क्रीम है, ये वाली क्रीम सब लड़कियों ने यूज की होगी, सब ने, है ना। तो इसमें से देखो अगर मसाज भी करें ना, तो 8-10 बार अपनी मसाज आराम से हो जाएगी। अब मैं इसमें से थोड़ी सी क्रीम ले लूंगी और अपनी मसाज करनी है अपन को, है ना। अब इसको है ना हल्के हाथ से क्या करना, मसाज करनी है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हमारा सेकंड स्टेप अब स्क्रब है ना, ये स्क्रब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। पानी लेना है इस तरीके से, till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving. अब मैं इसको अच्छी तरीके से ना टॉवल से पोंछेंगे अपन, जेल लगाएंगे। मेरे पास बोरो प्लस का एलोवेरा जेल है, ये पाउच इसका है, थोड़ा सा लेके मैं इसको इस तरीके से मैं जेल की है ना हल्के हाथ से क्या करना है, अपन को मसाज करनी है। और मसाज यानी इस तरीके से जो पॉइंट होते हैं ना अपने फेस के, उनको दबाना है, जिससे कि अच्छा सा ग्लो भी आ जाए और हमको रिलैक्स भी थोड़ा बहुत मिले। तो इस तरीके से मैं जो जेल को ना हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लूँगी। और ये मसाज हमें ना 2 से 3 मिनट तक करनी हो। ये मसाज करके ना अपन को इसको ऐसे ही छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। मैं पैक लगाऊँगी। देखो ये गोल्डन एवरी गोल्डन ग्लो पिलो मास्क है, और ये सिर्फ 15 रुपये का आता है। तो अपन 15-15 रुपये के सामान में भी अपन इसको मैं यूज़ करूँगी, तो ये मेरा 2 बार यूज़ हो जाएगा आराम से। तो अपन को ये 7-8 रुपये का एक फेशियल पड़ जाता है।
तो अब मैं इसको ला लूँ। और तुम्हें पता है एवरी यूथ का जो पिलो मास्क है ना बहुत ही अच्छा है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसी है ना, इससे क्या होगा अपने ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे, वाइट हेड्स निकल जाएंगे और फेस पे क्लीन और अपनी स्किन है ना बहुत टाइट भी हो जाएगी। तो अब मैं इसको लगा लूँगी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. अब देखो ये मैंने ना सूखने के लिए छोड़ दिया, तो ये 15 मिनट में अच्छी तरीके से पूरा सूख गया है। अब इस फेस पैक को अपन को किस तरीके से निकालना है, नीचे से ऊपर की ओर निकालना, जिससे है ना हमारे जो फेशियल एयर है ना वो सारे अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएं। अब मैं इसको है ना नीचे से ऊपर की ओर निकालूंगी, इससे कि हमारे सारे फेशियल हेयर निकल जाएंगे, ब्लैक हेयर्स होंगे ना, वाइट हेयर्स होंगे, वो सारे निकल जाएंगे। और आपको है ना पिलो मास्क हफ्ते में एक बार तो कर लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो सारी टैनिंग होती है, ब्लैक हेयर्स वाइट हेयर्स होते हैं ना, सारा निकल जाता है हमारे फेस पर, अच्छा ग्लो बना रहता है। इसको लगाने के बाद अपन को बोलना नहीं है और हमें 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे लगा के छोड़ देना, जिससे कि हमारी स्किन है ना बहुत टाइट हो जाएगी। और देखो कितनी आसानी से निकल गया और मेरे फेस पर तुरंत कितना अच्छा ग्लो आया है। तो हम मार्केट ना कि अपने घर पे भी अच्छा सा एक अच्छा सा फेशियल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फोरहेड पे देखो बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अपना ये पिलो मास्क हटा लिया, देखो अब मैं इसको ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।